अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मटन हलीम। ये बहुत मैं आसान तरीके से बनाऊँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल रही हूँ हाफ कप ऑयल। फ्लेम मैंने इसकी मीडियम रखी हुई है। और अब मैं इसमें डालूँगी एक टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी। अब इसमें जाएगा मटन। मटन मैंने बोनलेस नहीं लिया, मैंने हड्डियों के साथ ही लिया है। और मटन मैंने 3 पाव लिया है। अब मटन को अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। भुनाई के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ शान का हलीम मसाला, 1 पैकेट पूरा। अब यहाँ पे मैंने शान का मसाला लिया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी शान को ही प्रेफर करें। इसीलिए आपको जो भी अच्छा लगे, जिस ब्रांड का भी, आप उसका डाल सकती हैं। मसाला डाल देने के बाद मैं इसको मसाले में भी फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। इधर इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है, तो अब इसमें जाएंगे 12 गिलास पानी। यहाँ आप इसमें 2 जग पानी के डाल दें। पानी डाल देने के बाद अब यहाँ पे मैं वेट करूँगी जब तक कि इसमें एक उबाल आ जाए। उबाल आ जाने के बाद अब इसमें जाएंगी साबुत दालें और चावल। इन सबको मैंने अच्छे से धो के 4 घंटे पहले भिगो दिया था। और अब मैं सारी इसमें डाल रही हूँ। इनको डालने के बाद एक उबाल का और वेट करेंगे। जब दूसरी बार इसमें उबाल आ जाए तो इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल उतना जितना हम दम की आंच रखते हैं उतनी। और इसको मैं ढक्कन लगा के रख दूंगी 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इसको बीच बीच में आपने चेक करते रहना है। यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं और इसमें से मैंने आधा निकाल दिया है। और उस आधे को मैं ब्लेंड कर दूंगी। और अगर आप इसको बहुत ही स्मूथ रखना चाहते हैं तो आप पूरे को ही ब्लेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये आधा वापस डाल रही हूँ जिसको हमने निकाल के ब्लेंड कर लिया था। इसको यहाँ पे अच्छे से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम मैंने इसकी वही लो ही रखी हुई है, इसको मैंने तेज़ नहीं किया। और जब तक कि ये पक रहा है तब तक हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक बड़ी प्याज को स्लाइस करके 1/2 कप ऑयल में फ्राई कर लिया था। और अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से। प्याज को भी इसमें मिक्स कर देंगे। और इसको मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद हलीम हमारा बनके तैयार है। इसको मैं डिश आउट करूँगी। और अगर आप जो है वो इससे ज़्यादा गाढ़ा हलीम पसंद करते हैं तो आप इसको मज़ीद भी पका सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।